नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में कई सवाल जरूर उठते होंगे। आप मेरे से अपनी साइट के प्रति कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे से निसंकोच होकर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट का वास्तु के अनुसार नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ वास्तु के अनुसार नक्शा भी बनवा सकते हैं। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है साउथ फेसिंग शॉप। आपकी अपनी साउथ फेसिंग क्रॉकरी शॉप है, या आप अपनी शॉप को रेनोवेट करने जा रहे हैं, या आप अपनी नई क्रॉकरी शॉप यानी बर्तनों की दुकान ओपन करने जा रहे हैं, तो वास्तु के अनुसार आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो दुकान है वो हमेशा ही रोड के लेवल से ऊंची होनी चाहिए। आपके साउथ का भाग यानी जो आपकी सड़क है वो हमेशा ही साफ सुथरी होनी चाहिए, टूटी हुई खड्डे वाली नहीं होनी चाहिए। अगर टूटी हुई या खड्डे वाली है तो आप उसे प्लेन कराएं, स्मूथ कराएं। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, यदि आपकी दुकान के बाहर कोई पानी का नल है तो आपने उसे सही रखना है, उस नल से पानी की लीकेज नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी दुकान के बाहर नाली बनी हुई है तो आपने उस नाली को अच्छे तरीके से क्लीन करना है और उसको आपने पत्थरों से ढकवाना है। पत्थर का जो रंग होना चाहिए वो रेड कलर होना चाहिए। आप अपनी दुकान के बाहर रेड कलर का फर्श भी कर सकते हैं, और इसी के साथ जो आपका अपना शटर लगेगा, शटर के ऊपर जो कलर होना चाहिए वो रेड कलर, मैरून कलर या पीच कलर होना चाहिए। आपकी दुकान की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप अपनी दुकान के अंदर जो एंट्रेंस बनाएंगे वो साउथ सेंटर में बनाएंगे। यहाँ से आप, आपका स्टाफ और आपका कस्टमर अंदर आएगा। फ्रंट के भाग में साउथ वेस्ट से गेट तक और गेट के हिस्से से लेकर साउथ ईस्ट तक फ्रंट के भाग में आपकी अपनी डिस्प्ले आ जाएगी और आपने अपने यहाँ पर रैक कैसे लगाने हैं। नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट होते हुए साउथ वेस्ट तक और नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक, और ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक आपके अपने रैक लग जाएंगे। रैक के अंदर माल कैसे रखना है, जो आपका वेस्ट की दीवार के साथ यानी पश्चिम की दीवार के साथ जो रैक लगा हुआ है उस रैक में आपने भारी सामान रखना है, और रैक के अंदर जितने भी ब्लॉक है हर ब्लॉक के अंदर माल भरा हुआ होना चाहिए। जो आपके नॉर्थ वॉल पर रैक लगेगा उसमें नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ सेंटर तक तो आप माल लगाएं, और जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक है इसमें माल आपने हल्का लगाना है, और जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है इस कॉर्नर में आपने कोई भी माल नहीं रखना है। ईस्ट की दीवार पर जो रैक लगा हुआ है इस रैक के अंदर आपने जो माल रखना है वो हल्के वजन का रखना है। आपने अपने यहाँ पर काउंटर कैसे बनाना है, आपने अपने यहाँ पर काउंटर यू शेप में आपने अपना काउंटर बनाना है। काउंटर के अंदर के भाग में यानी नीचे के भाग में आपकी स्टोरेज हो जाएगी और ऊपर के भाग में आपके माल की डिस्प्ले हो जाएगी। ओनर की सिटिंग कहाँ बनानी है, ओनर की सिटिंग साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर बनानी है, और यहीं पर आपका अपना बिलिंग काउंटर बनेगा। आप अपने यहाँ पर साउथ वेस्ट के भाग में एक काउंटर और लगाना चाहते हैं तो वो काउंटर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। स्टाफ की सीटिंग आपने तीनों तरफ आपके यहां स्टाफ की सीटिंग आ जाएगी। कस्टमर जो आएगा, कस्टमर आपका बीच के भाग में खड़ा हो जाएगा। पीने का पानी आपने कहां रखना है, पीने का पानी आपने नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपने पीने का पानी रखना है। आप मयूर जग रखते हैं तो मयूर जग का जो कलर होना चाहिए वो स्काई ब्लू कलर ही होना चाहिए। मंदिर आपने कहाँ लगाना है, मंदिर आपने
अपनी दुकान के साउथ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने अपना मंदिर लगाना है। वैसे तो मंदिर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ ईस्ट कॉर्नर तक ईस्ट की दीवार पर जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिर लगाने से आपके यहाँ हमेशा ही रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मंदिर यहाँ लगाकर साउथ ईस्ट के भाग में आप अपना मंदिर लगाकर जोत जलाते हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक जोत जलाते हैं, तो आपके यहाँ वर्किंग हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी। आपके यहाँ कस्टमर सुबह से लेकर शाम तक आता रहेगा और हर कस्टमर आपके यहाँ से माल लेकर जाएगा। इन्वर्टर आपने कहाँ लगाना है? इन्वर्टर भी आपने साउथ ईस्ट के भाग में इसी जोन में आपने अपना इन्वर्टर लगाना है, और इलेक्ट्रिक मीटर भी आपने अपनी दुकान के अंदर लगाना है, तो वो भी आपका साउथ ईस्ट के भाग में यहीं पर आपका अपना इलेक्ट्रिक मीटर भी आ जाएगा। आपने अपने यहाँ पर चेयर्स का कलर कौन सा रखना है? जो आपकी ईस्ट की दीवार के साथ चेयर आएंगी वो ग्रीन कलर की आएगी। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ वेस्ट कॉर्नर तक यहाँ पर जितनी भी चेयर्स आएंगी वो आपकी ग्रे कलर की आएंगी। आपने अपने यहाँ पर काउंटर का जो कलर करना है वो कलर आपका ग्रे कलर या लाइट ब्राउन कलर ही होना चाहिए। सीलिंग का कलर वाइट होना चाहिए और दीवारों का कलर आपका ऑफ वाइट कलर होना चाहिए। जो आपका अपना शटर है, शटर के ऊपर जो कलर होना चाहिए रेड कलर, मैरून कलर या पीच कलर ही होना चाहिए। आपकी अपनी दुकान बर्तनों की है और साउथ फेसिंग है, आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है, तो आप अपनी दुकान के अंदर चेक करें। जो आपकी नॉर्थ की यानी उत्तर की दीवार है और जो आपकी पूर्व की दीवार है, यहाँ पर आपका माल ज़्यादा रखा होगा और वज़न में भारी भी होगा, और ऐसे ही आपकी जो पश्चिम की दीवार है, पश्चिम का जो रैक लगा हुआ है इसके अंदर आपका माल हल्का होगा। आप उत्तर की दीवार से और पूर्व की दीवार से माल को हटाकर पश्चिम वाले रैक में माल को बढ़ाएं। साउथ वेस्ट से लेकर वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक जो पश्चिम दिशा का रैक है, इस रैक में फर्श से लेकर छत तक माल को भर दें। अगर आपके यहाँ माल ज़्यादा है तो वो माल आप फर्श पर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ वर्किंग अच्छी आ जाएगी, आपके यहाँ कस्टमर आना भी शुरू हो जाएगा और माल लेकर भी जाएगा। आप अपने यहाँ ये उपाय करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ जितनी भी परेशानी है आहिस्ता आहिस्ता करके वो परेशानी आपकी एक एक करके कम हो जाएगी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।